हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म डोली सजा कर रखना के 10 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। पहले हम बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2 सितंबर 2022 को। फिल्म में लीड रोल में है खेसारी लाल यादव और फीमेल लीड है आम्रपाली दुबे। ये फिल्म खेसारी और आम्रपाली की दूसरी फिल्म है। इससे पहले वो आशिकी में नजर आ चुके थे, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं बहुत जल्द देखने आने वाला हूँ। तो फाइनली बात करते हैं फिल्म के बारे में। फिल्म को लिखा है, फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीश मिश्रा जी ने, और रजनीश मिश्रा काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं। आपने इनकी फिल्म देखी होगी कि मेहंदी लगा के रखना, जो फर्स्ट पार्ट आया था 2017 में, ये इन्होंने ही बनाया था। उस फिल्म को काफ़ी दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैंने भी फिल्म देखी और मुझे भी बहुत पसंद आई। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो फिल्म आपको कैसी लगी। तो फाइनली बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बिहार, झारखंड, मुंबई और वेस्ट बंगाल के तकरीबन 60+ थिएटर्स में, और फिल्म का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। फिल्म की एक लव स्टोरी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, उतनी खास नहीं थी, लेकिन ये फिल्म ऐसी थी कि आप फुल टू फैमिली के साथ देख सकते थे और फुल टू फैमिली के साथ इस फिल्म को एंजॉय कर सकते थे। फिल्म को मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज किया गया था, जैसे PVR और बड़े बड़े सिनेमा जैसे सिनेपोलिस। तो फाइनली बात करते हैं डोली सजा कर रखना के 10 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और अपनी डिमांड कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी डिमांड में वीडियो जरूर बनाएंगे। तो डोली सजा कर रखना ने 10 दिन में कमाई की भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2,56,00,000 के आसपास। फिल्म का बजट है 2,10,00,000 रुपये और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होगी या फिर ब्लॉक बजट होगी तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है ये फिल्म कितनी कमाई कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आने वाले वीडियो यानी नेक्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू।